तो चलिए दोस्तों, हम लोग लेकर आ चुके हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 वालों के लिए यहाँ पे क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस पेपर, जो आप सभी को यही क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम्स में। अगर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है तो ठीक है, टोटल आप लोगों को ऑब्जेक्ट फुल मार्क्स जो रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा, जिसमें से 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 50 नंबर का सब्जेक्टिव रहेगा, खंड अ और खंड ब में। ठीक है, तो खंड अ में आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 1 से लेकर 60 तक, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना का जवाब देना है, तो 50 का जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, और आप लोगों को अगर ये प्रश्न पत्र आता है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से बना पाओगे। ठीक है, ये PTO फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पेपर है मैथमेटिक्स गणित का क्लास टेंथ वालों के लिए। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, अंत तक सभी देखना, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नए क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे आप लोगों को, हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी यहाँ पर होती है। पहला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि 1 - 10² 45 बट्टा में 1 + 10² 45। देखो, 10 45 का मान हम लोग जानते हैं कि 10 45 का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 - 10² 45, तो 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 1 - 1 बट्टा में 1 + 1 2 हो जाएगा, तो ये 0 - 2, तो इसका मान 0। तो 0 किसका वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 के बराबर, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, साइन 0 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू होता है आपका 1 के बराबर, टेन 90 का जो मान होता है वो आपका इन्फिनिटिव होता है। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सारे साइन 0 हो जाएगा, 0 का मान। नेक्स्ट प्रश्न है, सेकेंड नंबर कहा गया कि साइन थीटा का मान 3/4 है, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखो साइन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया गया है, तो इसका मतलब ये P/H है, लंब बटा कर्ण है ये, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, B का वैल्यू निकालेंगे, मतलब आधार का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस आपको हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16 - 9, तो ये हो जाएगा √7, तो बी का वैल्यू √7 आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछा गया था, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B/H, तो बी का वैल्यू √7/4, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे √7/4। देखो मैथ्स ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सोल्व करके बनाना, ऐसा नहीं कि तुक्का ऐसे आंसर लगाते चलना, थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपको समझ में आते चलेंगे सारे प्रश्न। देखो थर्ड नंबर प्रश्न है कि 1/√3 × है कौशेक 30 डिग्री, है ना, तो 1/√3 को रहने देते हैं, कौशेक 30 का वैल्यू हम लोग को पता है, साइन 30 का उल्टा होगा, तो साइन 30 जो होता है वो आपको 1/2 होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2, जो कौशेक 30 का मान होगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 का जो वैल्यू होता है ये आपको लगभग ये आपका उल्टा जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौश 30 का वैल्यू उल्टा, तो इसका मतलब सेक 30 क्या हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 2/√3। अगला प्रश्न है यहाँ पे फोर्थ नंबर कहा गया है, इसका सेक 30 डिग्री, 3 का डी हो जाएगा, 4 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर क्यू है तो कॉस थीटा के बराबर क्या मान होगा, तो सिंपल है ये भी प्रश्न, साइन थीटा का वैल्यू क्यू है, तो इसका मतलब ये P/H है, लंब बटा में कर्ण है, तो आधार निकाल लेंगे हम लोग, तो आधार यहाँ से जो निकालेंगे बी का वैल्यू वो हो जाएगा √H², तो ये हो जाएगा 1 नहीं है कुछ, तो नीचा में 1 है, तो ये हो जाएगा 1² - Q², तो ये हो जाएगा आपका √1 - Q², ये बी का वैल्यू आ गया, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो P/B होता है, तो P का वैल्यू यहाँ पे कितना था, Q/√1 - Q². ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, 4 का B, समझते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, आंसर मैं सीधा नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को सोल्व करके बता रहा हूँ, ताकि समय थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगी। sec² 60° - 1 का वैल्यू क्या होगा, देखिए sec² 60° का वैल्यू सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो sec² 60° का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे -1, तो 2 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 4 - 1 ये हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, देखो sec 60° का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो आपका कॉट 60 का उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कॉट 60 का उल्टा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होना चाहिए। अब 6 नंबर है, देखो यदि 3θ का मान 90° है तो sec θ, तो 3θ का वैल्यू अगर 90° है
तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 30 डिग्री आ गया, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 2/√3। अभी जस्ट हम लोगों ने इसको सोल्व भी किया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का सी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कहा गया है। यदि कॉट थीटा का वैल्यू 5/12 है तो साइन थीटा का वैल्यू, देखो कॉट थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा जो होता है वो b/p होता है आपका, ठीक है, क्या होता है b/p। और ये साइन थीटा का वैल्यू निकालना है आप लोगों को, तो ये 5/12 दिया गया है, तो एच निकालेंगे तो एच जो हो जाएगा यहाँ पे वो 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर होता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 + 25, ये हो जाएगा 13। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 √169 का वैल्यू 13 आता है, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा p/h, तो पी कितना 12/13। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, 7 का बी यहाँ पर जो है ये राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों, 4 का जो यहाँ पे है कॉट थीटा का वैल्यू पूछा गया था, तो ये जो निकलता है ये टेन थीटा का वैल्यू निकलता, ये जो है आपका कॉट थीटा का वैल्यू है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, 4 का डी राइट हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया बी नंबर, ये आपका टेन थीटा का वैल्यू, मैंने यहाँ पर देखा नहीं कॉट थीटा है कि टेन थीटा, तो कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं 8 नंबर, क्या कहा गया कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा जो होता है, हम लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे ये प्रश्न को हम लोग जानते हैं दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा के, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेन स्क्वायर थीटा को रहने दिया और इस सेक स्क्वायर थीटा को इस साइड लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या, माइनस 1 बचेगा, तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही राइट हो जाएगा, प्लस 1 मत लगा देना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ पे उल्टा दे दिया गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। अगला है कि साइन स्क्वायर 30 + cos² 30 डिग्री का वैल्यू 1 के बराबर होता है, क्योंकि हम लोग इसको फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है, थीटा के जगह पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। अगला है यहाँ पे 10 नंबर कि यदि 7 sin² θ + 3 cos² θ = 4 है, तो sec θ + cosec θ का वैल्यू यहाँ पे मान पूछा गया है, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे बनाना पड़ेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, इसको बनाने से पहले एक चीज़ करना होगा, यहाँ पे क्या है, sin 7 sin² θ + है 3 cos² θ = 4 है, ठीक है, या तो साइन को कॉस में बदल दो या फिर कॉस को साइन में बदल दो, ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कॉस को साइन में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 sin² θ + 3 cos² θ का जो वैल्यू हो जाएगा 1 - sin² θ के बराबर होता है, बराबर यहाँ पे 4, ठीक है, तो देखो 7 sin² θ प्लस आपको यहाँ पे हो जाएगा 3 - 3 sin² θ = 4, तो 7 sin² θ - 3 sin² θ कितना बचेगा, 4 sin² θ, और ये 3 इधर जाएगा तो 4 - 3 जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो sin² θ का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 1/4, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो √1/4 आ जाएगा, तो प्लस का वैल्यू लेंगे तो 1/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया हम लोगों का, वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है sin 30 के बराबर, ठीक है, तो sin 30 इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया, तो हमसे पूछा क्या गया था यहाँ से sec θ + cosec θ का वैल्यू पूछा गया था, तो sec यहाँ पे 30 डिग्री लगाएंगे और प्लस यहाँ पे cosec 30 डिग्री लगाएंगे, ठीक है, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 और cosec 30 का वैल्यू होता है 2, तो 2/√3 + 2, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही राइट हो जाएगा 10 का। अगला है यहाँ पे कि यदि 2 sin θ का वैल्यू 1 है तो 3 cot² θ + 3 का वैल्यू क्या होगा, तो ये सिंपल है, 2 sin θ का वैल्यू 1 है तो इसका मतलब sin θ का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 का मतलब यहाँ हो जाएगा sin 30 डिग्री के बराबर, ठीक है, तो यहाँ से 3 cot² 30 डिग्री और प्लस यहाँ पे 3 cot 30 का वैल्यू क्या होता है, cot जो 30 का वैल्यू होता है वो आपको tan 30 का उल्टा होता है, तो tan 30 का उल्टा क्या होगा, 1/√3 का √3, तो 3 × √3² और प्लस ये 3 है, तो √3² आएगा 3, तो 3 × 9 + 3 ये हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का ए राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न कहा गया है
कि 10-50 डिग्री प्लस कॉट 40 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। देखिए 10-50 प्लस कॉट 40 का जो वैल्यू होगा वो आपको कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा, यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, या तो 10 को कॉट में बदल लो या फिर कॉट को 10 में बदल दो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे 10-50 को रहने देते हैं और प्लस यहाँ पे कॉट 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस कितना घटाएंगे 40 आएगा, तो 90 में से 50 घटाएंगे। तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि कॉट 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपको 10 थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से 10-50 डिग्री पहले से दिया गया था हम लोगों को, कॉट 90 माइनस थीटा 10 थीटा के बराबर, तो 10 यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना है 50 है, तो 10-50 कितना हो जाएगा 210-50 डिग्री। जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है यही यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर गुना का मल्टीप्लाई रहता है यहाँ पे प्लस के जगह पे तब यहाँ पे 1 आंसर आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। चलिए 13 नंबर देखते हैं कि 3 cos थीटा का मान 2 है, तो इसका वैल्यू सिंपल है ये भी प्रश्न, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2/3 यहाँ पे 3, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर हल करेंगे दोस्तों cos थीटा का वैल्यू 2/3, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका b/, ये h होता है, ठीक है। तो हम लोग p का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3² - 2² तो 9 - 4 √5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा √5, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 sec² थीटा, तो 2 × sec θ जो होता है वो आपको cos थीटा का उल्टा होता है। तो cos थीटा कितना था आपका b/2/3, तो हो जाएगा 3/2² प्लस 2 × tan²θ p/b, तो p हम लोगों को आया है √5/, b का वैल्यू कितना था 2, तो इसका स्क्वायर माइनस आपको 7। इसको हल करोगे दोस्तों तो 2 × 9/4 आ जाएगा, प्लस 2 × 5/4 आ जाएगा, अब माइनस 7। देखो यहाँ पे हल करते हैं हम लोग इसको, ये हो जाएगा 2 × 4, ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 अब माइनस 7, ठीक है। इसको अगर हल करोगे दोस्तों तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना आता है, तो देखो 9, 5, 14/2, तो 14/2 अब माइनस 7, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, क्योंकि 2 × 7 = 14, 7 में से 7 गया 0। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का ए सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर है कि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका √ निकाल देना है 64/121, तो हो जाएगा 8/11, 8/11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। देखो किसी भी 2 समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल दिया होता है उसका अगर भुजा संगत भुजाओं का अनुपात पूछा जाएगा तो आपको जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है उसमें हम लोग को √ लगा देना है, ठीक है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो संगत भुजाओं का वर्गों का आप लोग वर्गों का अनुपात निकालना है, ठीक है, तब आपका क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। क्योंकि देखो 8/11 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो 64/121 ही आएगा जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। 15 देखते हैं कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु क्या है, बिंदु भुजा AB और AC क्रमशः इस प्रकार है। देखो ये ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पे P और Q बोला गया है कि कोई एक बिंदु है AB और AC पर जो यहाँ से मिलाया गया है, जो PQ समानांतर BC है, ठीक है। चलिए AP का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, PB का वैल्यू क्या दिया गया है यहाँ पे PB का जो वैल्यू दिया गया है वो 2 दिया गया है, ठीक है। और AQ का वैल्यू यहाँ पे 6 दिया गया है, तो QC का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से, इसका वैल्यू x बताया गया है। तो देखो अगर 3/2 करते हैं तो इसको 6/x करना पड़ेगा, तो 3 × 6 x का वैल्यू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, बिल्कुल ईजी था ये, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि 2 यहाँ पे जो है PQ समांतर BC है, तो इस भुजा का जो अनुपात होगा वो इस भुजा के बराबर होगा और इस भुजा का अनुपात इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है। तो अनुपात हम लोग को यहाँ पे AB/PB और AQ/QC करके हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिए 4 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, जो आप सभी को फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, यहाँ पे मिलाते रहिएगा आप लोग। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। बाय बाय सभी को।